नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियन एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक्नोलॉजी पर। तो आज का जो वीडियो है मेरे फ्रेंड ने भेजा है, उसने इस वीडियो में टॉप 5 चाइनीज ऐप के अल्टरनेटिव ऐप के बारे में बताया, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक सहित 59 ऐप्स को इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप में से कई सारे लोग उनमें से किसी न किसी ऐप का तो यूज़ करते ही होंगे, और आपको किसी न किसी ऐप की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, और वो भी नॉन चाइनीज़। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको टॉप 5 चाइनीज़ ऐप्स जो इंडिया में बैन हो चुके हैं उनके नॉन चाइनीज़ अल्टरनेटिव्स बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, पहला ऐप है टिकटॉक। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फेमस ऐप है, और इसका अल्टरनेटिव मुझे लगता है रोपोसो। जी हाँ दोस्तों, इसके कई सारे अल्टरनेटिव है, लेकिन मुझे रोपोसो इसका बहुत ही बेस्ट अल्टरनेटिव लगा। तो स्क्रीन में आप देख सकते हो इस ऐप को, नीचे आपको वीडियोस की कैटेगरीज मिल जाएंगी, और आपको दोस्तों टिकटॉक जैसा ही सिमिलर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, इसलिए वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, दूसरा ऐप है जेंडर और शेयरइट। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही काफ़ी प्रख्यात फाइल शेयरिंग ऐप थे। तो इसका मुझे सबसे अच्छा और बेहतर अल्टरनेटिव लगा वो है गूगल फाइल्स। जी हाँ, फाइल्स बाय गूगल। इस ऐप में आप नीचे गए शेयर बटन को क्लिक करके एक डिवाइस में सेंड और एक डिवाइस में रिसीव बटन दबाकर फाइल्स को आसानी से शेयर कर सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया स्पीड के साथ। तो इस लिस्ट में हमारा तीसरा ऐप है कैम स्कैनर। लगभग सभी कॉलेज के स्टूडेंट इस ऐप का इस्तेमाल करते ही होंगे। तो कैम स्कैनर का बेस्ट अल्टरनेटिव है एडोब स्कैनर। दोस्तों, एडोब स्कैनर में भी कैम स्कैनर जैसा सिमिलर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एडोब स्कैनर काफ़ी इजी टू यूज़ है, और आप वह सारी चीज़ें कर सकते हो जो कैम स्कैनर में कर सकते थे। तो आगे बढ़ते हैं अगले ऐप की तरफ। तो अगला ऐप है यूसी ब्राउज़र। अपने से कई सारे लोगों ने यूसी ब्राउज़र को यूज़ किया ही होगा। तो उसका अल्टरनेटिव्स है जियो ब्राउज़र और गूगल क्रोम। जियो ब्राउज़र या फिर गूगल क्रोम में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ही फास्ट एंड सिक्योर ब्राउज़र है। इस लिस्ट का पांचवा यानी कि आखिरी ऐप है WPS ऑफिस। WPS ऑफिस सिंपली PDF को रीड करने का कार्य करता था। तो इसके हमें कई सारे अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा अल्टरनेटिव लगा वो है एडोब एक्रोबेट। एडोब एक्रोबेट से आप किसी भी PDF को ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और घंटी को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।